बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों को विभिन्न सहायक उपकरणों का किया गया निःशुल्क वितरण। जन सामान्य से उनका सहयोग करने का किया आह्वान। विधिक साक्षरता शिविर का भी किया गया आयोजन। बिजनौर में टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह ने गोली मारकर की युवक की हत्या। पेड़ काटने के विवाद में एक्टर ने वारदात को दिया अंजाम। लाइसेंसी पिस्टल से की अंधाधुंध फायरिंग। एक ही परिवार के चार लोगों को लगी गोली, एक की मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जलीलपुर में गुरुद्वारा सिंह सभा मुंडाल के नेतृत्व में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में हर वर्ष की भांति गुरु नानक देव का मनाया गया 580वां प्रकाश उत्सव। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत पर चांदपुर नगर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए छोड़े पटाखे तथा बांटी मिठाई। बिजनौर पुलिस ने रात के अंधेरे में मिट्टी के अवैध खनन में लगी चार ट्रैक्टर ट्राली और एक लोडर को किया सील। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। अमरोहा के हसनपुर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब का निर्माण करने वालों के खिलाफ की छापेमारी। 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों के खिलाफ की कार्यवाही। संभल में दावत से वापस घर लौट रहे बाइक सवार तीन भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। हादसे में तीनों की हुई मौत। ट्रक सवार मौके से हुआ फरार। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। चिकित्सक ने किया मृत घोषित। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मुरादाबाद पुलिस ने एक युवक को आधा किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर चरस को शहर में था बेचने वाला। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल